अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। सैरी करने के बाद सोने का दिल नहीं चाह रहा था, बस ऐसे ही मटर गश्ती करने का दिल चाह रहा था और आप लोगों से बातें करने का दिल चाह रहा था। तो मेरा चैलेंज जी, हाईवे पकड़ते हैं, थोड़ी राइडिंग करके आते हैं। बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसे बाद निकला हूँ हाईवे पर राइडिंग करने के लिए, क्योंकि राइडिंग करने में बहुत कम आती है, तो रमज़ान भी है, प्लस ये है कि बस कुछ प्लानिंग नहीं होती, मसरूफियत होती है। तो खैर जी, आज मैं ऐसे निकल चुका हूँ हाईवे पर। यह है नॉर्दर्न बाईपास, जो कि कोयटा की तरफ जाके मिलता है हब चौकी से। तो एक प्रोग्राम है हमारा कोयटा जाने का, लेकिन अभी नहीं है, थोड़े दिनों बाद है इंशाल्लाह ताला, ईद पर शायद का प्रोग्राम बनाएंगे। और सुनाएं भाई, हाल चाल ठीक है? सब खैरियत से हैं? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के? तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, हम शॉपिंग ब्लॉग्स की वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं डेली, और डेली कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी की भी वीडियो अपलोड करें, क्योंकि सब्सक्राइबर डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम अगर डेली ब्लॉग्स की डालते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो प्रॉपर्टीज़ वाले हजरात हैं, देखना चाहते हैं प्रॉपर्टी की, तो वो प्रॉपर्टी नहीं देख पाते बेचारे, तो फिर वो डिसहार्ड होते हैं या वो फिर हम नई चैनल पर हमारे आते हैं। तो अब कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अपनी मसरूफियत में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कम अज़ कम एटलीस्ट जो है सब्सक्राइबर्स की पसंद के हिसाब से व्लॉगिंग करें, और प्रॉपर्टी की व्लॉगिंग भी तकरीबन डेली करें, मुख्तलिफ़ जगहों की, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ की, क्योंकि ये तो हमारा काम है प्रॉपर्टी का, तो इसलिए हमें इतनी मुश्किल नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी अपनी भी स्टडी होती रहती है मुख्तलिफ़ जगहों की। अच्छे, देखें साहब भाई आगे भाग गए हैं बाइक पे, और ये देखें कोयटा की बसें आ रही हैं और जा रही हैं। बड़ा दिल ललचा रहा है मेरा लॉन्ग टूर पर जाने का, एक प्लान मेरे पास है बाइक पर जाने का, पाकिस्तान टूर का इंशाल्लाह ताला। तो आप सबके कमेंट्स मुझे भेजिएगा, आपके क्या करना चाहिए पाकिस्तान टूर पे, कहाँ जाना चाहिए बाइक पर। वैसे मैंने सिंध टूर किया हुआ है, तकरीबन गोरखहिल का टूर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, और सिंध का करली झील, ठट्टा झील, हैदराबाद तो कई दफ़ा गए, बलूचिस्तान में कई जगहों पर गए, लेकिन अब थोड़ा सा है बड़ा प्लान। बड़ा प्लान ये है कि तकरीबन मरी, इस्लामाबाद, नारायण कागान तक, एटलीस्ट इधर उल्टे हाथ पे अगर हम चले जाएँ कोयटा की तरफ, बलोचिस्तान में कोयटा तक, चमन बॉर्डर वगैरह, अफगानिस्तान बॉर्डर, और ये क्या है गवादर हो गया, इस तरफ के हालात जज करने के लिए, ज़रा इसकी ब्यूटी जो है थोड़ी सी खुशक है बलोचिस्तान की ब्यूटी, लेकिन अच्छी है, अच्छी है, मज़ेदार है, ज़बरदस्त जर्नी है। बलोचिस्तान मैंने थोड़ा सा किया है, वैसे पहले मैं उरमाड़ा वगैरह गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शिकार पे, सपाट बीच वगैरह, लेकिन उसकी वीडियोज़ नहीं है क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। अच्छा जी, राइडिंग का तो हमें बहुत शौक है बाइक का, लेकिन थोड़ा सा ख़तरनाक है, रिस्की है, लेकिन क्या करें भाई, ज़िंदगी गुजारनी है तो ज़िंदगी गुजारनी है, तो रिस्क तो लेना है। अच्छा जी, चलें जी, गुनगुनाने का दिल चाह रहा है, लेकिन रमज़ान है, बहुत बुरी बात है, तो नात पढ़ देंगे, अच्छी बात है, कुछ तिलावत पढ़ सकते हैं, नात पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह ताला। तो कहते हैं ना, दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। और एक ये नात मुझे बहुत अच्छी लगती है के मदीने को जाए, ये जी चाहता है मदीने को जाए, ये जी चाहता है मुकद्दर बनाए, ये जी चाहता है। आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द जाएंगे, मदीने का भी प्रोग्राम है, आप सब दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला हमारे नसीब खोले, हमें अपना घर दिखाए, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ दिखाए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है रोज़ा मुबारक हम अपनी आंखों से देख सकें इंशाल्लाह ताला। और जी बाकी सुनाएं, सब ठीक ठाक, चंगे भले? ये भाई ये देखें गैस का जो है ट्रॉलर मेरे आगे लग गया है, और मैं देखें जब राइडिंग करता हूँ तो भगाता नहीं हूँ। अच्छा, ये मेरी हैवी बाइक भी नहीं है, हैवी बाइक मैंने बेच दी है, ये तो जस्ट 170 है मैंने रखी हुई है, तो लेकिन हैवी बाइक लेने का प्रोग्राम बहुत जल्द है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान टूर करना है, तो एटलीस्ट कम से कम 150 या 250 के अराउंड में बाइक कम से कम होनी चाहिए, 70 पे जा सकते हैं लेकिन मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं एक बाइक भी सर्च कर रहा हूँ कोई अच्छी से, अगर कोई जो व्यूवर्स देख रहे हैं किसी को अच्छी बाइक हो, 150 टू 250 के अराउंड के सीसी हो कम से कम भी। ये देखें भाई, बड़ी बसें आ रही हैं हैदराबाद से और जा रही हैं, टू 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 टाटा करते हुए इन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, तो मैं तो खैर बड़े प्यार प्यार से साइड में चल रहा हूँ, बड़े आराम आराम से नाल। अच्छा जी चले, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है बाइक चलाने में, और मज़ेदार मौसम है, ज़बरदस्त सुबह सुबह का, और मुझे हाईवे पे, आपको पता भाई मैं हाईवे लवर हूँ, सफ़र का शैदाई हूँ,
अभी पिछले दिनों हम स्कर्दो गए थे जहाज़ से। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो ज़रूर देखें जाकर। फिर उसके बाद नारान गया था, इस्लामाबाद गया था। नारान ने पहली बर्फ़बारी हमने रिकवर बोल रहा हूँ कवर की थी और वीडियो अपलोड की थी, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा आप। अब तो खैर बर्फ़बारी एंड होने वाली है, तो कोशिश मेरी है कि जब बाबूसर टॉप खुले, अभी बाबूसर टॉप बंद है, नारान कागान बाटा कुंडी वगैरह और बाबूसर टॉप क्लोज है। बर्फ़बारी बहुत ठीक ठाक हुई भी है, तो एटलीस्ट तकरीबन कम से कम अप्रैल के एंड में खुलेगा ये सब। तो भाई देखो ट्रक वाला जगह नहीं दे रहा, लेकिन मैं जगह लेना भी नहीं चाह रहा हूँ, मैं बहुत प्यार प्यार से आराम आराम से चल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ये है कि इंशाल्लाह प्लान चल रहे हैं भाई, बहुत सारे प्लान हैं। और अभी तो ख़रीद आ रही है, इंशाल्लाह ताला रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ानों में अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल फरमाए। और आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, बिल्कुल जी। तो एक दूसरे के एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। अच्छा जी, तो बाकी है कि बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इन शॉर्ट करता हूँ और व्लॉग को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। दिल तो नहीं चाह रहा, अच्छा राइडिंग तो मेरी थोड़ी ज़्यादा है, मैंने तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट राइडिंग की थी, तो लेकिन वीडियो भाई 6-7-8 मिनट की ही डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा बोर ना हो जाएं कहीं। ओके जी व्यूवर्स, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं भाई, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा दिल मारना पड़ता है, जाना पड़ता है, ख़ास तौर पे शॉपिंग ब्लॉग्स के लिए, क्योंकि मैं शॉपिंग पे जाने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों की वजह से जा रहा हूँ फैमिली के साथ, के ताकि व्लॉगिंग भी हो जाए फैमिली की, और आप लोगों को भी जो रिजनेबल जगहें हैं, शॉपिंग मॉल हैं जहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ ईद का, तो वो आपको मैं बता सकूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और भाई कम से कम 25 लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि अल्लाह ताला आपको जल्द खुशखबरी दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।